ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय मिला क्या? कहीं दिखाई दिया क्या? अबे जा यार, भेजा मत खा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वो ऐसे ही नहीं मिलेगी, मुझे पता है, इसीलिए मैंने एक आइडिया निकाला है। ए, सब कुछ रेडी है ना? हाँ रेडी है। क्राइस्ट, पास्ता शुरू होता है। आइडिया सुपर है बंटा। साउंड में कौन से किक रखी है पता नहीं, लेकिन इस साउंड के लिए कोई लड़की आए या कोई दारू हो, किक तो इसी की लगती है। अब चार दिन में जिम नहीं भी जाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि ये फुल वर्कआउट हो गया है। ऐसा क्या? हाँ यही बात है। जीता मैं हूँ, हारा वो है, और पैसे देने वाला तू है।
पहले से ही 3 दिन और 10 घंटे हो गए हैं और ना तू दिखा ना तो समझ लेना। अरे 3 दिन से तुम लोगों को ही तो ढूंढ रहा था मैं। सपनों में ढूंढोगे तो हम नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर और एक झूठ बोलने के लिए अभी भी समय नहीं है। पैसे दे या कपड़े उतार। हाँ? अभी से तुम लोग ऐसे हो, 10 साल के बाद तो तुम लोग पूरे बेंगलोर को हिला के रख दोगे। ठीक है दोस्त, मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है। पहला, वो कमीना देवा जो गेम हारा है ना, उसी गेम को खेलकर मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। और दूसरा, अगली बार मैं जब तुम लोगों से मिलूंगा तो मैं इसी तरह से गेम प्लान करूंगा, ठीक है ना? मीन्ता, ग्रीच, पिताबरा, हवा के साथ चले जाना चाहिए। भागो, 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 चलो, भाग, भाग, निकल, निकल, चल निकल। पहली बात तो मैं डॉक्टर राजकुमार का फैन हूँ। ये सब कैसे करना है मुझे नहीं पता है क्या? तो तुम सभी लोग रेडी हो ना? हाँ रेडी। ओहो, अरे हेलो आंटी, कैब पंचर हो गई है पर मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। ओके। लगता है ये अपना होश खो बैठा है। ए मिस्टर किशोर इंसिल MS, यू कैन कॉल मी। कैन आई कॉल पुलिस? क्या मैडम, यू टीजिंग भी आप ही कर रही हैं, पुलिस को बुलाने के लिए भी आप ही कह रही हैं। ये सब क्या है? यहाँ पर खेलने वाले भी तुम हो और डिस्प्ले तोड़ने वाले भी तुम हो, समझे? तो क्या हो गया? तुम्हें देखकर चलना चाहिए था, फिर टूटने से बच जाता। कॉमन सेंस के बात में भी आप 0 हैं। नॉनसेंस बातें तो खुद ही कर रहे हो। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हें मेरा फोन रिपेयर कराने के 1000 रुपए देने होंगे, नहीं तो पब्लिकली तुम्हें इंसल्ट करके रख दूंगी। मीन्ता, क्रीचा, पिताबरा, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं बॉस। अरे चुप हो जा। देखो, मुझसे प्यार से बात करोगी तो मैं फुल डिसेंट हूँ, और गुस्सा आ गया तो मैं फुल वायलेंट हूँ। तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन साइलेंट है और कौन वायलेंट। अरे ऐसे क्या बड़ी बात हो गई है, मोबाइल का डिस्प्ले ही तो गया है, इतनी सी बात को लेकर ऐसा बर्ताव कर रही हो? कम ऑन गाइस। ए क्या हुआ? बोलो बोलो क्या हुआ? वो मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास? मेरे पास भी नहीं है। तू भी कुछ बोल। कोमा सामरा थोपड़ा, सुनने के लिए और कहने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है दोस्त, मैं ना तो बोलूंगा और ना ही सुनूंगा, सिर्फ दिखाऊंगा। क्या है? कल सिम्बा फिल्म रिलीज होने वाली है। ओ, क्या? फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, बालकनी टिकट मेरी तरफ से। यार यार, ये फिल्म का नाम बता के सेंटीमेंट कर दिया तूने। ये चल ये ले। सुनो, तुम्हारे फोन का डिस्प्ले नहीं गया है, जस्ट टेम्पर्ड ग्लास, ओनली 300 रुपीज, 450 है, बाकी के 150 का मजा कर। हेलो, तुम लड़की हो इसलिए देकर भेज रहा हूँ, लड़का होती तो ये देकर भेजता। लड़की नाजुक फूल होती है, अगर नाजुक रहेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई भी आकर खा जाएगा उसे। इस दुनिया में लोग लेडीज एंड जेंटलमैन ही बोलते हैं सब, जेंटलमैन एंड लेडीज नहीं बोलता कोई। गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण का नाम ही लेते हैं, शंकर गौरी, नारायण लक्ष्मी नहीं बोलता कोई। औरत को ये दुनिया अहमियत देती है, दैट्स द पावर ऑफ द वुमेन। Mind it. अरे भाई लोग, कल मूवी रिलीज हो रही है, डांस करो। मचा थिंकिंग बैड, मचा हार्ड को स्टेप, मचा ना मोटी गे।
बेस मचा बीटो बस मचा हुचे तो कुड़ी बे कोई अल रोटी गे के सामने स्पेशल अगरबत्ती लगाऊंगा, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए बहरा कर देना। अरे रुक जाओ। ए किरण, हमारे घर का उल्लू आ गया है। क्या करके आया सुन ले। तेरी तो जा कर देख, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ पढ़ाई की है ना उन्हें देख, सारे सेटल हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। उनके पास दरवाजे के सामने 100 लड़कियां एक ही पैर पर खड़ी हैं शादी करने के लिए। उनके पिता सर उठाकर घूमते होंगे पार्क में। तो आप भी घूमिए ना, भैया के पास गवर्नमेंट जॉब तो है ही। देख रहे हो किरण, मुझे टिप्स दे रहा है ये। अबे उल्लू के पट्टे, मुझे सर उठाकर घूमने के लिए, आराम से रहने के लिए तू देता है क्या मुझे? जो भी मिलता है मुझसे पूछता है तुम्हारा छोटा बेटा क्या कर रहा है, कितनी पगार है, शादी कब करने वाले हो, ऐसा पूछते हैं सारे लोग हमसे। ये बता मैं सबको क्या बोलूं कि मेरा बेटा गुंडा हो गया है, जानवर की तरह घूमता रहता है, हमारे घर में है, इस गलती की वजह से हम महीने का खर्चा देते हैं, 1 किलोमीटर तक लड़कियों की लाइन भी लगी है, ऐसा कहूँ क्या? पापा मैं भूल ही गया था, हमारे लॉयर मिले थे, आपको बुलाया है, ये लेटर भी दिया है। क्या है ये? ठीक है, जाने दो, मैं खुद बात कर लूंगा उससे। तुम जैसों के लिए ही
टीवी में सीरियल आते रहते हैं उल्लू के पट्टे नाम का। तुम्हारे जैसे उल्लू के पट्टे धरती पर बोझ हैं। काम करने लगेंगे तो शीर्षक चल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? नालायक कहीं का। अरे अब छोड़ भी दीजिए ना पापा। बंटा, लड़की मिलने के बाद काम को रोकना और दारू मिलने के बाद मुंह को रोकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई, बेवड़ों के कौन से बुक के कौन से चैप्टर में ये सब लिखा है? ठीक से रीडिंग करो रे, पांचवा चैप्टर है। अरे यार भाई, तेरा ये चैप्टर रोकना अपने पेट में। भाई बहुत उतल पुतल हो रही है। और ये कमीना किधर रह गया भाई? बस आ ही रहा होगा यार। आ गया क्या? हाय 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 दोस्त। क्या दोस्त लोग, सब कुछ सेटअप करके इंतजार कर रहे थे क्या? अबे राजा तो आ गया पर मंत्री नहीं आया। अबे राजा के आने के बाद मंत्री भी आ जाएगा, रुको। अरे 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 यार, चल हट। अरे अरे अबे ये सब क्या है बे? मैं मंदिर गया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्चना करके आया हूँ। वो किस लिए? दारू पीने के बाद किसी को भी उल्टी नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए। अरे भाई, उल्टी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन नशे में तू अपनी पुरानी प्रेमिका फातिमा का नाम लेकर दिल दूंगा, हाथ दूंगा, पैर दूंगा, ऐसा मत बोलने लगना। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। कम ऑन फ्रेंड्स, चीयर्स। फातिमा, तू ले ले मेरा दिल, ले लेना मेरा दिल। तुझे मेरा दिल चाहिए ना, प्यार करने वाला चाहिए ना, ले ले यार। ये तो गया। Come on, friends! Cheers! Cheers! और अंजन भाई, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन साला एक भी दोस्त नहीं मिल रहा है। कहाँ चले गए हैं सबके सब? अरे किशोर, सुबह से यहाँ कोई आया ही नहीं भाई। फोन नॉट रिचेबल आ रहा है, घर में नॉट अवेलेबल। आखिर सारे कमीने चले कहां गए? हेलो, क्या हुआ किस्सू? तूने मिस कॉल क्यों दिया था? फोन नहीं उठाया तूने, मिस कॉल मैंने थोड़ी ना दिया था बंदर भाई। सुबह से मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पता चला है मुझे बिना बताए कुछ काम करने गए हो, वो क्या है? हाँ किशोर, बताया ना, सुबह हम जॉगिंग के लिए गए थे, उसी समय सामने से एक चीयर गर्ल जॉग करते हुए चेक टीवी मेरे पास से निकल गई। उस समय मेरे दिल ने कहा कि वो तेरी है, तेरी है, तेरी है। मेरी है, मेरी है। हाँ, हम सब की है। ये सब हमारे साथ हुआ ना, लेकिन हमने तुझे बताया नहीं ना, तो हो सकता है कि हम लोग तुझे शादी में ही मिले। कमीनो, लड़कियों के पीछे पड़ना और लाश के साथ सोना एक ही बात होती है। टाइम हो जाए तो मिट्टी डाल देना ही सही होता है। हेलो किशोर, अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे अरे चल बाय बाय। अब इतनी बड़ी वो महाभारत सुना रहा था, इसलिए मैंने कट कर दिया।
पत्थर। अरे चलो चलो, ये तो वही है। हाँ वो तो वही। बंटा तू खूनी नहीं है, बोल हम लोग मान लेंगे। तू हवस से नहीं भरा है, बोल मान लेंगे। हम सब मान लेंगे। लेकिन तू आशिक नहीं है, अगर ऐसा बोला तो कोई मान लेगा। कमीनो, गुस्सा कम होने के बाद मिले हो तुम लोग, बच गए तुम सब, नहीं तो तुम्हारी तो। लेकिन अब तू बच नहीं सकता, हमें फोन पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करके ज्ञान दे रहा था और यहाँ खुद ब्यूटी का शिकार करने आ गया है। नहीं, मुझे दो बातें पसंद नहीं है, पहला ब्यूटी और दूसरा झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोल रहा है भाई, तू यहाँ एंजल को ही देखने आया है ना। क्या एंजल? और ये अबे आंचल में रहने वाली को हा? तुम एंजल बोल रहे हो? तुम जैसे पागल तो एंजल की भी इज्जत नहीं कर सकते। अरे गहराई को समझ, इन्हें पीला ही पसंद है। देखो तुम इस एरिया में नई आई हो तो नई जैसी ही रहो, वो सब छोड़कर अगर तुम हमारे लड़कों के पीछे पीछे आई ना तो ठीक नहीं होगा। दिमाग है क्या जो दिमाग खराब होगा? और तुझ जैसे पागल की तरह नहीं बोल रहे हैं ये, उन्हें देखकर कुछ सीख। इंसान को एक सुंदर लड़की देखकर कुछ ना कुछ होता है, और अगर नहीं होता तो मतलब वो इंसान ही नहीं। और तुम्हें तो कुछ होता ही नहीं, और मुझे तो ये लगता है कि तुम इंसान हो ही नहीं। अरे ये तो मरती नहीं है। और अगर उसके पास होगा भी तो वो काम नहीं कर रहा होगा। वो कहते हैं ना स्त्री दोष हो सकता है इन्हें, ये सब कुछ एक जेंटलमैन में नहीं होता। ये तो पागल खाने में रहता है। सुनो तुम अपने दोस्त को किसी अच्छी जगह ले जाकर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दो ना। क्या रे, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही, मुझे मेंटलमैन कह रही है? ये मेरा एरिया है, मेरे लोग हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है पता नहीं है क्या। देखो दोस्तों, तुम लोग लाश के बाजू में सो रहे हो, जल्दी ही मिट्टी गिरने वाली है इस पर, होशियार रहना। आप चिंता मत करिए, आपने जो भी पॉइंट बताया है वो ताजा उदाहरण है। डर गया साला। और क्या है ना, उसे लेडीज से एलर्जी है थोड़ा सा, और वो हमारे लिए भी एनर्जी है। तुम्हारी केयर के लिए बहुत थैंक्स ब्रदर्स, बाय। इसने हमसे ऐसा क्यों कहा? बेचारे लोग, तुम लोग को उसने भाई बोल दिया है, वैसे वो मेरे साथ ही प्यार करती है, इसीलिए फातिमा की जगह बस यही ले सकती है। डार्लिंग बुलाया मुझे, आया आया आया। शोना स्वीटी जान, क्या मैंने कभी तेरी बात टाली है? हा? नहीं ना, नहीं ना, आज के दिन एडजस्ट कर लेना। कल रात में बारिश आई थी इसलिए कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई यार। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं अपने दोस्त से वादा कर चुकी हूँ कि मैं परिवार के साथ आऊंगी और 20 मिनट में तुम्हें घर आना ही होगा बस। अरे मेरी बात तो सुन लो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कहानी सुनने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है, पति हो इसीलिए प्यार से बुला रही हूँ, आ जाओ। आपको केबल का ही कनेक्शन जरूरी है तो हमारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा, आओ। ओ, क्या नसीब है, इसीलिए कहते हैं दहेज लेकर शादी नहीं करनी चाहिए। अरे ये मुझे छोड़ेगी नहीं लगता है, अब मैं क्या करूं यार। हेलो डार्लिंग। अबे तीन दिन से लक्ष्मी जाकर आना सीरियल में हीरोइन दरवाजा खोल रही थी, वो दरवाजा खोलने ही वाली थी तब कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कब तक चलेगा? रात को बारिश हुई थी ना इसलिए। ए, कारण मत बताओ, पहले काम करो, नहीं तो ब्रूटल केस डाल कर तुम्हारा लाइसेंस ही कैंसिल करवा दूंगा। सर उसकी क्या जरूरत है, पता बताइए, मैं अभी ठीक करवा दूंगा। ठीक है लिखो, विजयनगर टोल माइन टोल नंबर 109, जल्दी भेज देना, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तुरंत भेजता हूँ। अरे यार हेलो हेलो किशोर, मैं बोल रहा हूँ केबल ओनर साधु। अरे तेरा थोड़ा पैसा देना बाकी रह गया था ना। हाँ लेकिन उस दिन तो डायलॉग मार रहा था कि बस इतना ही दूंगा। अरे वो तो पुरानी बात है किशोर, कितना देना है बता दो बेटा। 500 रुपए। ठीक है दे दूंगा, लेकिन एक काम कर दो, एक घर में कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है, अर्जेंट वहाँ जाकर प्रेजेंट हो जा, वो जो भी पैसा देंगे वो तेरा और मुझे जो बैलेंस देना वो भी तेरा, रखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, उस घर का पता SMS करो। दादाजी स्क्रू ड्राइवर नहीं है मेरे पास, क्या आप दे सकते हैं?
रुको बेटा। दिव्या, जो टूल बॉक्स है उसमें स्क्रू ड्राइवर रहेगा, वो इसको दे दो। ठीक है दादाजी, ये लीजिए। तुम वही हो ना? तुम? हाँ मैं हूँ। मुंह खोलते नीति और नियम के बारे में बोलते हो और अपने टूल साथ में नहीं रखते हो। चुप रहेगी तो अच्छा रहेगा। मैं रीता वेंकट का पंखा नहीं हूँ। जगह हो या जेंडर हो कुछ नहीं देखता मैं। अगर पता होता कि ये तेरा घर है तो मैं यहाँ आता भी नहीं। क्या बेटा, केवल अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या? हो जाएगा दादाजी, एंटीना की प्रॉब्लम है, ठीक कर देता। जल्दी अरे ठीक करो। पता नहीं इसकी शक्ल कहाँ से आ जाती है सामने। जय हनुमान। मंदिर जा क्या है? लड़की मुझे मिली है, इसीलिए अंजना स्वामी के आश्रम में स्पेशल दर्शन करके आया हूँ। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो गलत होगा ना? अगर तू अपने साथ रहेगा वो भी तो गलत है ना। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। अरे अबे, किशोर ऊपर है। अरे कैसे बताऊं मैं तुमको, किशोर उसके घर के ऊपर है। क्या बोल रहे? अरे जाओगे ले भाई, देखो देखो वो देखो, पीछे। पूजा मैंने की है तो उस एंजल को मैं पसंद करूंगा ना। इस पूजा के बीच में ये बाधा बनकर कहाँ से आ गया? अबे जाने देना, तू खुद ही एक बाधा है तो दूसरी बाधा से क्यों डर रहा है? कमीने, फोन स्विच ऑफ करके और नॉट रिचेबल करके यहाँ हवा खाने आया है, अभी दिखाता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, चले चल छोड़ो, आगे बढ़ो, मेरे दोस्त है। तो ये सारे कौन है? मुझे नहीं पता। दोस्त 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 कुछ को बचा लो, दोस्त बचा लो ना, आया है तो बचा लो। एनी प्रॉब्लम? आपके घर से शिकायत आई थी कि कुछ गुंडे आपके घर के सामने न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, जरूर आपको कोई फेक कॉल आई होगी। हाँ हाँ सर, मुझको भी फेक कॉल ही लग रहा है। हम उस तरह के लड़के नहीं है, क्यों बोलो है ना? तो ये सब कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं लोग? सर ये सब लोग मेरी पहचान के हैं, घर में एक फंक्शन है तो इन सबको बुलाया है। इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इनसे। हाँ हाँ सर, हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब आपको इनसे समस्या है या इनको आपसे, बात जो भी हो, माँ बाप बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन तुम सब लोग ऐसे बाहर आवारा गर्दी करते रहोगे तो कैसे चलेगा? अरे हो सके तो सर ये डायलॉग वंस मोर। मुझे और भी काम है, अपने काम से काम रखो। अपना काम करो सारे। बटले तुझे तो देखा, क्या हुआ? सामान आया ना? बोलो। वैसे आपका नाम क्या है? दिव्या। चल चल निकल यहाँ से, निकल निकल। आपने कहा था ना कि आपके घर में फंक्शन है, अगर कुछ भी चाहिए तो हम सबको बताइए ना। श्योर 100% बताऊंगी ब्रदर्स। ए ऑटो रोक, ऑटो रोक, ऑटो रोक। वो देख ना, देखो यहाँ भी आ गया। ओह रोमांस कुछ ज्यादा ही जोर से चल रहा है। क्यों, तेरे से शादी करने वाला लड़का मैं हूँ? तेरे पीछे कितने सालों से घूम रहा हूँ। इसके अलावा मैं तेरे मामा का बेटा हूँ, तू ये सब कुछ भूल कर इसके साथ घूम रही है, शर्म नहीं आती है तुझे? बॉस अपनी आवाज नीचे रखो, लोग देख रहे हैं यहाँ। क्यों भाई, दूसरे की घर की बेटी को बाइक पर बैठा के ले जाते वक्त, थिएटर में बैठकर सीटी बजाते वक्त, पार्क में बैठकर गाना गाते वक्त लोग तुझे नहीं देखते, तब तेरी इज्जत नहीं जाती है क्या? देखो भाई, मैं दूसरे की इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ। अगर तुझे ऐसे दादागिरी करते हुए मेरे छोटे भाई ने देख लिया ना तो तेरी बैंड बजा देगा। तेरा भाई गुंडा है क्या, बिल्डअप दे रहा है क्या? ए बुला तेरे भाई को, बुला ना, मैं भी देखता हूँ वो क्या कर लेता है, बुला ना उसको, बुला। ठीक से अपनी आंखों से देख ले मेरे भैया, मेरी भाभी, दोबारा अगर इनके आसपास भी दिखा ना। ए
तेरी भाभी को तेरे भाई से प्यार करने दो, एक बार मेरे पास भेजना, मैं भी थोड़ा प्यार कर लेता हूँ। तेरी तो चल 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 चल, गाड़ी निकल, गाड़ी निकल, देख लूंगा तुझे। अबे चुपचाप निकल जा। ए, वीडियो कैसा? मजेदार मजेदार, सुपर दोस्त, यूट्यूब पे डालेंगे तो लाखों व्यूज मिलेंगे। इतनी टेंशन में तुमने वीडियो क्यों बनाई? भाभी जी, हम सब ग्रेट इंडियन पीपल हैं, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन वीडियो बनाना हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात है। दिव्या मेरी बात मानो बेटी, बहुत जरूरी मीटिंग है, मुंबई जाना होगा, निग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो मतलब आप निग्लेक्ट करोगे हमें? ऐसी बात नहीं है बेटी। ये वो कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक एग्जीबिशन दिखाया है और उसके अलावा मैं बैंगलोर में सिर्फ एक हफ्ता ही हूँ। बैंगलोर में घूमने के लिए और कितनी जगह है मुझे नहीं पता। ओहो, दिव्या, आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे पास गाड़ी है, तुझे ड्राइविंग भी तो आती है ना? आंटी के साथ जाओ, वो तुम्हें घुमाएगी। आपके भरोसे बैठी रही तो बैंगलोर नहीं घूम पाऊंगी। हेलो, अबे ये क्या है, टाइगर ओपन करना। कुछ नहीं, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना, आज हमारे हिस्से में इतना ही है। लगता है कुछ भी नहीं होगा भाई। हाँ, सही कहा। वो कौन था बंदा? अरे ये तो दारू लाया है। अरे इसके साथ तो बोतल भी है। अरे किशोर, अरे किशोर, आज सुबह मैं मंदिर गया था दर्शन के लिए, तेरा भला हो और तेरी जैसी बुद्धि मुझे भी मिल जाए, इसलिए स्पेशल दर्शन करके आया हूँ। हाँ तेरी कसम, साले का कोई भरोसा नहीं, इसके बिना तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ये जानने के बाद दोस्ती याद आती है क्या? ऐसी बात नहीं है दोस्त। हाँ दोस्त, मैंने इन कमीनों को बोला था पर किसी ने मेरी सुनी नहीं, सही बोल रहा हूँ? हाँ यार, मैंने भी कहा था लेकिन ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। क्रिकेट तो रंग बदलते ही रहता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ तो लड़की के पीछे जाने वाले पल पल में रंग बदल रहे हैं। क्यों, सही कहा ना? ठीक है, सुपर डायलॉग था, सुपर से भी ऊपर, सुपर। दोस्त, हमने जो गलती की है वो हम समझ गए, सॉरी दोस्त। गलती तो हमसे हो गई है लेकिन किशोर हमको माफ कर। कोई कुछ भी कहे, कहीं भी रहे, दोस्त दोस्त ही होते हैं। जगह बदल देने से दोस्ती थोड़ी ना खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्त। वेंकी, ये तुम लिख कर रखो, आखिर दोस्ती इसी को कहते हैं। बिल्कुल सही। अरे चुप हो जाओ, मैंने पहले से लिख कर रखा है। हाँ, ये देखो मैंने पोस्ट लिया। चलो दारू शुरू करते हैं, पार्टी शुरू करते हैं। छुट्टी ली है, देखो ना यार, मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया है। प्लीज तू अपने ऑफिस का दरवाजा तो खोल दे, प्लीज खोल ना। ओहो, ऑफिस में एंट्री नहीं करने दोगी? करने दो ना, मेरी ऑफिस की छुट्टी बेकार हो जाएगी। ए, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? देखो सुना, मेरी बात सुनो, बात सुनो, कितने दिनों से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 10 दिन हो गए वेट करते करते। सुनो, इतने दिन हो गए हैं, अभी और कितने दिन रोकोगी? सुनिए, मैंने आपसे 2 सोने के कंगन मांगे थे, आपसे कहे हुए 2 महीने हो गए हैं, वैसे ही आपको भी इंतजार करना होगा। कर्जा लेकर तुझे कंगन ला कर दे दूंगा। नहीं नहीं, सुना, देखो सुना, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमसे, तुझे मैं कंगन ला कर दे दूंगा। चल अब चलते, पहले कंगन ला कर दो, बाद में मैं खुद आ जाऊंगी। किस्मत ही खराब है, सारे मोबाइल में जैसे डुअल सिम रहता है ना, वैसे ही मेरे भी 2 ऑफिस रहते हैं, सुबह एक ऑफिस, रात को दूसरे ऑफिस, दोनों को मेंटेन करता रहता था। इससे बोलकर कुछ नहीं वाला, थक गया हूँ मैं। अब ये भी मुझे डांट लगाएगी, आज का दिन ही लगता खराब है।
हेलो, क्या है ये सब? कौन सा डिब्बा सर्विस है तुम्हारा? परसों ही रिपेयर कराया था और फिर से कनेक्शन खराब हो गया। ओहो, मुझे मेरी बीवी का कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। आप मुझे अपना एड्रेस बताइए। एड्रेस विजय नगर। सुनिए ना, मैं अपनी बहन को देखने जा रही हूँ। आप फटाफट मेरे लिए नाश्ता बना दो ना। अगर कंगन ला के दोगे ना तो सारा खाना मैं बनाऊंगी आपके लिए, समझ गए ना? ठीक है। हेलो, हाँ मैडम, मैं लड़के को भेज दूंगा। भेजना, परसों जो लड़का आया था उसी को भेजना, ठीक है? मैडम उसकी फीस थोड़ा महंगी है। नाश्ता बनाएंगे कि नहीं? हाँ, आया। सुनो, यहाँ नहीं आओगे? नहीं नहीं मैडम, किशोर आएगा। हाँ, किशोर आएगा। केबल का प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉपर का प्रॉब्लम है। जब कभी स्पीड आए तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तब खिड़की या खंबा या फिर किसी लोहे को पकड़ लेना। लेकिन वो सब छोड़कर ऐसे केबल कट मत करना मैडम। क्या बात है, डिटेक्टिव साहब तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम जो काम करते हैं और जिस तरह से करते हैं वो हमेशा सही रहता है, इसीलिए तो बुलाया है आपको। क्या? कुछ नहीं, जब देखो यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, ये काम कैसे करते हो तुम? सिर्फ यही काम नहीं करता, कई सारे काम कर लेता हूँ, फ्रीलांसर हूँ। तो सारे काम करते हो तुम? ए, खून, चोरी, धोखा और रेप छोड़कर। लेकिन बस स्टॉप पर तुम किसी को मार रहे थे। अच्छा, वो गलत करने वालों को सजा मिले भगवान ने कहा है, तो मैं बस वही कर रहा था। इंटरेस्टिंग। सुनाई नहीं दिया? कुछ नहीं, केबल ठीक हो गया है। पैसे दे दोगी तो मैं चला जाऊंगा। जब देखो पैसा पैसा करते रहते हो, बस मैं दे दूंगी ना। सुनो, अपना फोन दे सकते हो? क्यों, मेरे मालिक को फोन करोगी क्या? नहीं, मेरे दादा और आंटी तो एयरपोर्ट गए हैं और मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है। महंगा फोन रखने से कुछ नहीं होता, उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए। ये लो, कॉल करके इसका भी पैसा जोड़ कर दे देना। ये लो, कल सुबह ठीक 9 बजे याद से मेरे घर आ जाना। किस लिए? बैंगलोर दिखाने के लिए। मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? तो ये भी तो एक काम है ना, तुम फ्री में मत करना। मिल जाएंगे। पैसे दोगी तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बुलाओगी तो लड़के फ्री सर्विस दे देंगे, उन्हें बुला सकती हो ना? उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह नहीं है। हाँ? अरे बीपी कम हो रहा है। आई लव यू। हे, शांत हो जाओ, तुमने कहा था ना बीपी कम हो गया, तो बढ़ाने के लिए मैंने बोल दिया ऐसे ही। दोबारा ऐसा कुछ मत करना, अगर कम ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो यही है आइकन ऑफ बैंगलोर, विधानसभा। वाओ। सर नमस्ते। सर मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब गुम हो गया है सर, थोड़े पैसे दे दीजिए, गांव जाकर आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। मैं टूरिस्ट हूँ ऐसा समझ रहा है क्या? मैं बैंगलोर का लोकल हूँ यार। सर सुबह से सब लोग यही कह रहे हैं सर, कोई मदद नहीं कर रहा है। मंत्री जी से मिलने आया था, किसी ने मेरा सब कुछ चुरा लिया सर। अगर मैं अर्जेंट गाँव नहीं गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज हेल्प कीजिए सर। ये लो। थैंक यू सर। मैं दान करूँ इतना भी अमीर नहीं हूँ और उतना कंजूस भी नहीं हूँ। याद से ये पैसे तुम मुझे भेज देना, समझे क्या? नहीं तो वरना मुझे और भी कई तरीके आते हैं, तुम्हारा एड्रेस ढूंढ कर 1 का 3 वसूल करूँगा। थैंक यू सर। कुछ ज्यादा ही नौटंकी है तुम में, हेल्प करने में भी इतना बिल्डअप। यही इस किशोर की जायदाद है। ठीक है चलो। ठीक है चलो बैठो।
देखो बेंगलुरु में है भारत का सबसे अच्छा? बड़ा झंडा वंदे मातरम। अरे बंदर की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? देखो हमारी तरफ लोग कैसे देख रहे हैं, खामोश रहो थोड़ा। इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए ही होते हैं, तुम्हारी तरह छुपाने के लिए नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें ऐसा ही बनाया गया है, तुम्हारे माँ बाप की गलती है। चलो लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे और तुम बिना बताए चले गए। हम तुम्हारे दोस्त हैं, बता कर जाते तो क्या हो जाता। अब भाई अगर बिना बताए जाएंगे तो ऐसा करने से तो बिल्कुल चल नहीं सकता ना। हमने किया तो वो गलती था, अब बताओ वो क्या कर रहे हैं। ये हमें पागल कहता था, अब खुद रंग बदल कर खेल खेल रहा है। बिना बताए जाओगे तो तुम ही बोलो ना कि आखिर हम लोग क्या समझेंगे। हाँ और क्या समझेंगे, किशोर प्यार कर रहा था। हम ऐसा समझ लेंगे कि वो लड़की हमारी भाभी है, है ना किशोर। देखो मैंने दोबारा पोछ लिया। अबे तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे पैसे दिए इसलिए मैंने उसे बैंगलोर घुमाया, बस इतना ही। तुम लोगों की तरह लड़कियों के पीछे नहीं भागता, समझा क्या? नहीं समझा तो जाकर कहीं मर जा। अरे समझ गए ना। अरे चेहरा क्या देख रहे हो, अभी किशोर ने कहा ना कि अच्छा पेमेंट मिला है तो शाम को पार्टी दूंगा, ऐसा कहा ना उसने, तो चलो चलते हैं। भैया भैया, अरे किरण भैया, आज इतनी इज्जत, क्या बात, क्या है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस काम करके आया हूँ तो आपको पैसे देने के लिए बुलाया, ये लीजिए। इतने सारे पैसे? ओ कार, गाइड, जीप। ये किरण, वो उसके मुंह पर पैसे फेंक दे, पता नहीं कौन सा गलत काम किया है उसके पैसे लेकर आया है। डैड वो फ्रीलांसर का काम कर रहा है। बहुत हो गया, इसका फ्रीलांसर का काम मुझे पता नहीं है क्या? लवर्स को एक करना, गुंडों के साथ मिलकर चाय के दुकान पर गुलछल्ले उड़ाना, बिना शर्म के ग्राउंड में छोटे बच्चों के साथ खेलता है ये, इसका फ्रीलांसर वाला काम, ये कोई जिंदगी है क्या? तू शेमलेस। ए किशोर, डैडी आपको उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, आप ही ने सिखाया था ना। लता तुमने सुना क्या, अपने पति नारायण स्वामी की कही हुई बातें, अगर वो तुम्हारा पति नहीं होता तो उसे मैं मार डालता। इतने सारे तकलीफ की वजह तुम ही हो। वो छोड़ो, हमें इतनी जल्दी छोड़कर जाने की जरूरत क्या थी? अब देख लो तुम्हारा पति मुझे भिखारी की तरह ट्रीट करता है, अगर भैया नहीं रहते तो मैं फुटपाथ पर नजर आता, पार्क में जाता है वो, कोई कुछ भी बोल देता है, वो सुनकर वो मुझे सुनाता है। देखो लता, मुझे गवर्नमेंट काम पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, और जो काम मुझे पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब ये सरदर्द कॉल क्यों कर रही है मुझे? जिंदगी में पैसों के लिए लड़कियों का कोई काम नहीं करना चाहिए। हेलो, सुबह ठीक 6 बजे मेरी कार तुम्हारे घर के सामने आकर खड़ी होगी, तुम रेडी होकर चुपचाप मेरी कार में बैठ जाना, एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर जाना है। हेलो किससे कह रही हो, 6 बजे उठने वाला बच्चा नहीं हूँ मैं, मिनिमम टाइम 8 बजे का है। अभी तुमने जो भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना, मॉर्निंग 6 बजे मैं वहाँ पर आ जाऊंगी और तुम मेरे साथ जा रहे हो, बस बाय बाय गुड नाइट। तुमने जो कहा वो मुझे भी सुनाई नहीं दिया, ओके बैड नाइट। हाँ
हेलो हेलो, पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ। थोड़ा और वेट करो, 10 मिनट और लगेंगे। फोन कट करता है। अरे एक बार बोलो तो समझ नहीं आता क्या? नो प्रॉब्लम, तुम 10 बजे आना और तब तक मेरे दिमाग में जो नई कहानी आएगी वो मैं तुम्हारे डैडी को अच्छे से सुनाकर ड्रामा क्रिएट करूंगी, ठीक है? और उसमें विलेन होगे तुम। देखो, नींद का मतलब मेरे लिए जान है। तुम्हारी जान मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही है, तो बताओ क्या करना है? तुम बाहर आ रहे हो या फिर मैं अंदर आ जाऊँ? थोड़ी देर और वेट कर लो, ठीक है? नो ऑब्जेक्शन। क्या है, मेरे डैड का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी? क्यों, तुम्हारे डैडी से तुम इतना डरते हो क्या? डैडी है इसलिए डर नहीं लगता। तो मेरी लता के पति है इसलिए इज्जत है। ओ, तुम्हारी माँ का नाम लता है, बहुत अच्छा नाम है, तो दिखने में भी अच्छी ही होंगी वो। तुमने मेरी माँ को देखा है क्या? कब, कहाँ? अभी वहाँ देखो, पौधों में पानी डाल रही है ना, वही तो है ना तुम्हारी माँ? वो हमारे घर की काम वाली है। मेरी माँ किसी को नजर नहीं आएगी। मतलब, ओह सॉरी, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम उन्हें भी तो माँ समझ सकते हो ना? समझ सकता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे डैड के पास इस उम्र में माँ बनाने की ताकत नहीं है। ऐसे क्यों देख रही हो, बम गिर गया क्या? तुम ही कहती थी ना कि मैं भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाला नहीं कंप्रेस करने वाला चाइल्ड हूँ, तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, तुम इम्प्रेस हुई क्या? इम्प्रेस हुई क्या? इसलिए कहता हूँ उसे डर के रहा करो। वाव, ब्यूटीफुल। ओहो, तुम भी यहाँ आ गए, मुझे लगा तुम गाड़ी में बैठे हो। और क्या, ट्रिपल पेमेंट देना पड़ेगा ये सोचकर अकेले डर के मारे आ गई ना, इसलिए मैं खुद आ गया। पेमेंट से डर नहीं लगता, लेकिन मैं बार बार तुम्हारी मर्दानगी क्यों टेस्ट कर रही हूँ? और उसके अलावा ऐसे वातावरण में मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, इसीलिए आई हूँ। और तुम भी तो यहाँ माइंड रिलैक्स करने ही आए हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे रिलैक्स करने की जगह दूसरी है। कौन सी? तुम्हारे एरिया का बार? हेलो, वो तुम्हारे जैसे लड़की के धोखा देने के बाद दर्द भूलने की जगह है, मेरे लिए तो नहीं है। तुम्हारी जगह कौन सी है? वहाँ से जितनी भी दूर देखोगी पानी ही दिखेगा, आकाश और धरती एक होने वाला है। वहाँ पर पानी की आवाज के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देता। That's my favorite place, सुरतकल बीच। क्या बात है, 60 साल बाद तुम कवि बन सकते हो। लेकिन प्रिंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्यों मतलब क्या, मैं लिखूंगा तो भी प्रिंट नहीं होगा। बगल में आकर खड़ा हुआ, जोक मारा, हंसाया, मेरे ट्रैक पर आया है, मुझे घास डाल रहा है, ऐसी इमेजिनेशन में मुझे जाना ही नहीं। क्लाइमेट अच्छा है ना, इसलिए आया हूँ। देखो, तुम कुछ भी इमेजिन करके बातें बना रहे हो, मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। हेलो, मैं जो साइकोलॉजी देख रहा हूँ ना, वो मुझे पता है। क्यों, क्या पता है तुम्हें साइकोलॉजी के बारे में? बोलो क्या तुम्हारे बारे में? हाँ बोलो। लड़कियों का दिमाग मिट्टी की तरह होता है, उसमें तुम 100% फिट हो। तुम अच्छी सोच से ज्यादा फालतू की चीजों के बारे में ज्यादा सोचती हो, तुम्हारी दिमाग से ज्यादा तुम्हारी जुबान काम करती है, ये सच है। आदर्श ने कहा था कि तुम एक आदर्शवादी लड़की हो, दिमाग नहीं रहने के बावजूद दिमाग है कहने वाली जानवर हो तुम। आज किसी को आई लव यू बोलोगी, कल किसी और को आई लव यू बोलोगी, परसों किसी और को बोलोगी, यही है ना तुम्हारी साइकोलॉजी। मेरे बारे में 4 दिन में तुम इतना कुछ जान गए, वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता? उपेंद्र का फैन हूँ, साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी नहीं है। इसका मतलब मेरी साइकोलॉजी की मास्टर डिग्री का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे बारे में बताओ, तुम्हारी ली हुई मास्टर डिग्री वेस्ट है या बेस्ट है, ये मैं बताऊंगा। मौका जिंदगी में हर किसी को मिलता है, लेकिन मेरी जिंदगी में इतना जल्दी मिलेगा मैं नहीं जानती थी। अब मैं बताऊंगी तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है। तुम खुद को सुपर समझने वाले एक लोफर, इडियट, एरोगेंट, महान समझने वाले फूल, बेवकूफ हो, लड़कियों के बारे में बुरी राय रखते हो बेवकूफों की तरह, माँ बाप की बात नहीं मानते हो, बहनों के साथ नहीं पले हो, इसलिए तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है। आगे मैं कुछ और कर लूंगा, इस भ्रम में तुम पास रहने वाले सुख को कहीं और जाकर ढूंढना चाहते हो, बाद में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जिंदगी तुम्हारी जीरो बन के रह जाएगी, बुद्धू कहीं के समझे।
बेचारी बहुत थक गई है, लो पानी पी लो। ला 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 ला। रुको जरा किरण। हाँ डैडी। यहाँ आओ। हाँ आ रहा हूँ। क्या हुआ डैडी? बताता हूँ तुझे। क्या हुआ? क्या किया? ये पढ़ो जरा से। पढ़ पढ़ जल्दी। भगवान है ये सच है जोर लेकिन... से पढ़ो। ठीक है पापा। भगवान है सच है लेकिन वो भगवान कभी कभी इंसान के रूप में आते हैं। सच कहूँ तो वैसे ही आप मेरी जिंदगी में आए हैं सर। सर ये लेटर मैं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं लिख रहा। सर आप हजार मदद करते हैं ये बड़ा नहीं है, लेकिन मौत के समय किसी की मदद करना वो बड़ा है। आपके दिए हुए पैसों से मेरा संसार बच गया। मेरी बेटी को अस्पताल में भर्ती करके स्वास्थ्य मंत्री से साइन करवा के ले जाने के लिए मैं बेंगलोर आया था। उस दिन अगर मैं मंत्री से लिया हुआ लेटर डॉक्टर को नहीं दिखाता तो मेरी बेटी नहीं बच पाती। अगर वो नहीं बच पाती तो हम भी नहीं बचते। आपने एक परिवार की जान बचाई है सर। जल्द से जल्द मैं अपने परिवार के साथ आपसे मिलूंगा सर। आखिर में एक अनुरोध है, अपने माँ बाप को मेरी तरफ से धन्यवाद जरूर कहिएगा सर। किशोर वो आखिरी वाली लाइन जरा फिर से पढ़ो। ठीक है पापा। अपने माँ बाप को मेरी तरफ से धन्यवाद जरूर कहिएगा सर। किशोर, किशोर। ए किशोर। क्या हुआ भैया? यहाँ क्या हुआ है भैया बताओ ना। बाहर जाकर देख, क्या है पता चल जाएगा। है? चल 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 वाह बाइक। नहीं नहीं नाइस वेरी नाइस वाव वाव सुपर। ए किशोर थैंक यू पापा। थैंक्स भैया। मुझे भी किशोर डैडी और मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक्स भाई। पापा थैंक्स पापा। सुपर्ब है, डायलॉग मैंने ही लिखा है। आज स्पेशल डे है ना, इसलिए आपको देखना होगा। हाँ और क्या। भैया आजा। अच्छा, इन सब के लिए मेरी जरूरत है। अरे डैडी थोड़ा साइड। अरे बोला चीज। ए आज रात की मैं टिकट बुक कर रहा हूँ पिक्चर की। ए पूछना क्या है, बुक कर देना। तू पैसे देगा किशोर? अरे बुक करूँ क्या? ठीक है कर दे। अरे मैडम, अरे बुक कर रहा है। अरे बुक कर दिया। वाह 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 वाह। अरे अरे हेलो। हेलो कहाँ हो तुम? हे रेडी हो रहा हूँ, आ जाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, आज शाम तक हम नहीं मिलते हैं, तब तक तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। क्या मतलब है? मतलब आज हम 7 बजे मिलते हैं। शाम को कुछ भी हो जाए नहीं मिल सकता, आज December 31st है। उसके अलावा मेरा स्पेशल डे भी है। उसके लिए शाम तक का टाइम है ना, खत्म कर लो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ ना।
नहीं हो सकता है क्या? मतलब ये मेरी कई सालों की इच्छा है कि रात में मैं नया साल सेलिब्रेट करूं। अब तुम भी ऐसा करोगे तो एक काम करो, किसी और को ढूंढ लो। कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। कहो तो मैं ट्रिपल पेमेंट करूंगी। क्या ट्रिपल पेमेंट? अरे मैंने नहीं बोल दिया, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है कि मैं आऊं। ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन पेमेंट आज ही मिल जानी चाहिए। ठीक है ठीक है। एक बात और, मेरी जीप प्रिपेयर में गई है तो क्या कोई और गाड़ी? कार है ना, लेकर आऊंगा, उसकी भी डबल पेमेंट लगेगी। ठीक है कार नहीं चलेगी तो फिर मैं सोच रही हूँ बाइक होगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, उसका पैसा भी दे दूँगी। बाइक है लेकिन नहीं है तो उसका भी डबल पेमेंट लगेगा। ठीक है ना? नो प्रॉब्लम, शाम को 7 बजे बाइक लेकर मेरे घर आ जाना। कहाँ जा रहे हैं बता तो सकती हो ना? सरप्राइज। सरप्राइज ठीक है, चलो देखते हैं कैसा सरप्राइज है तुम्हारा। ए, देख रहा है ना? अबे ओए, अब कौन सा मंत्र फेंकने वाला है इस पर? मंत्र नहीं, जादू टोना करूंगा इस पर। हम सबको भूल गया है ना, तो सबक सिखाना होगा इसको। हाँ, हाँ बंटा। ये कहाँ लेकर जा रही हो तुम? चुपचाप चलो मेरे साथ। कैसी है ये जगह? अरे मेंटल, तुमने कहा था कहीं जाना है और ये कहाँ लेकर आ गई मुझे? जहाँ हमें जाना था वही तो जगह है। अगर पीना ही था तो बोतल मंगा ली होती, अपने एरिया में ही मिल जाते। मैं पीती नहीं हूँ। तो फिर डांस करने आई हूँ, चलो डांस करें। Let's dance together. अरे छोड़ो, अगर ढोलक का साउंड है तो बताओ, ऐसा नाचूंगा कि सब साइलेंट हो जाएंगे। वो सब छोड़कर ये दिमाग में दर्द देने वाले साउंड पर मैं नहीं नाचूंगा। ऐसी बात है, सरप्राइज गिफ्ट तो तुम्हारे हाथों से ही खुलवाऊंगी। ठीक है तो मैं डांस करती हूँ जाकर। तुम्हारी मर्जी। रुक, दिखाती हूँ तुझे, अब देख मजा। हाय गाइस। हाय, मेरे साथ डांस करोगी? यस, कम ऑन। कम ऑन बेबी। हेलो एक्सक्यूज मी, इधर देना। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुम लोगों में थोड़ी भी मान मर्यादा नहीं है क्या? Hey, चुप कर, get lost. Hey, उसे कुछ बुरा मत बोलो। हाँ तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? है ना, वो देख। हाय। तेरी गर्लफ्रेंड को किसी और के पास लीज पे रख कर यहाँ इसका हाथ पकड़ के पोज देके नाटक कर रहा है। हाँ बता कमीने, जरा एक बात बता मुझे, तुझ में कॉमन सेंस नहीं है क्या? Hey, thank you. अबे साले तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, गाली दे रहा हूँ। कमीने, अकेली लड़की मिली है इसलिए सब लोग हाथ पकड़ कर टचिंग कर रहे हो। हाँ हाथ छोड़ बे बंदर। ए, लगता है इसका कभी दिल टूटा नहीं है, डिप्रेशन में जाके कुछ भी बोल रहा है। तेरा मुंह सूझ जाएगा साले, ऐसा मारूंगा। चल निकल यहाँ से कचरे कहीं के हट। ये कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और तुम लोग भी इसकी बात सुन रहे हो? किशोर, चलो चलो चलते हैं, चलो। तुम हाथ छोड़ो मेरा। क्या तमाशा क्रिएट किया तुमने अभी यहाँ? यही तो मेरा सवाल है, तुम तमाशा क्यों क्रिएट कर रही थी यहाँ पर? तुम किसी और के साथ डांस क्यों कर रही थी? वो मेरी पसंद है, मैं किसी के साथ भी डांस करूँ, तुम्हें क्या? मुझे क्या, मुझे तुम्हारा वैसा नाचना पसंद नहीं है इसलिए। क्यों पसंद नहीं है तुम्हें? क्यों मतलब? बोलो क्यों मतलब? बोलो क्यों मतलब? इस देश के और देश की लड़कियों का मैं सम्मान करता हूँ इसलिए, लेकिन वो लोग इज्जत को बाजू में रख के औरतों के साथ नाचते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है इसलिए। जो कुछ बोल रहे हो सब झूठ है। इसी पब में हमारे देश की कितनी लड़कियाँ नाच रही हैं, उन्हें देखकर क्यों नहीं रोका, उनसे क्यों बात नहीं की? क्योंकि मैं उन लड़कियों को जानता ही नहीं हूँ इसलिए। इसलिए नहीं,
क्या? बोला ना इसलिए नहीं। तो फिर? तुम मुझसे प्यार करने लगे हो इसलिए। ओह शिट, ये सब बातें तुम्हारे मुंह से कहलवाने के लिए मैंने ये सब कुछ प्लान किया था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किशोर, हैप्पी बर्थडे। और तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट मैं देना चाहती हूँ, आई लव यू। डायलॉग तो बहुत अच्छा है। अब तक कितने लड़कों को बोला है तुमने? किशोर, मजाक मत करो, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं भी सीरियसली ही बोल रहा हूँ, मैं कोई बकरा नहीं हूँ। मैंने भी वो मूवी बहुत बार देखी है। किस बात के लिए तुम मेरे साथ ये नाटक कर रही हो? उस दिन मैंने पार्क में आवाज की इसलिए, या फिर मैंने डबल ट्रिपल पेमेंट ली तुमसे इसलिए? देखो, मैं किसी भी बात की टेंशन नहीं लेता। किशोर, लव बोल रही हो? लव, मुझे पता है ये प्यार, ये प्यार व्यार सब कुछ बकवास होता है। किस बात के लिए तुम मेरे साथ ये नाटक कर रही हो? आंटी? कौन है? ओ किशोर, आओ बेटा, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। आंटी, वो दिव्या? वो नहीं है, वो सुबह ही मैसूर चली गई। आंटी, कुछ बोल कर गई क्या? गुस्से में थी, मैंने पूछा लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉल भी किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। ठीक है आंटी, चलता हूँ। सुनो किशोर, एक मिनट रुको। हाँ, मैं अभी आती हूँ। ये लो किशोर, ये पैसे ले लो, दिव्या ये देकर गई है, उसने बताया तुम्हारा पेमेंट बाकी है, लो। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तेरा जादू टोना काम कर गया है। इसे सब कुछ अच्छी तरह से सिखा के चली गई वो। क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ यार? ना फोन है
मैसेज, कहाँ है तू किशोर? अरे किशोर, अरे देखो यहाँ बैठा है ये। ए, बात पता चल गई, बकरा पानी नहीं पीता और तू प्यार नहीं करता, फिर भी चमत्कार हो गया है ना, तुझे भी प्यार हो गया है। ये देखने के लिए वो गांव छोड़कर चली गई। एक तरफ दोस्त नहीं और दूसरी तरफ लवर के बीच में तो पिस गया है। दिव्या का एड्रेस पता होता ना तो उससे बात करके, उसे कन्विंस करके एक रोमांटिक सॉन्ग शुरू कर देता। अब जो मैं बोलता हूँ ये डायलॉग को ठीक से सुन। हेलो आंटी, मैं किशोर बोल रहा हूँ। आंटी, वो मैंने नया काम शुरू किया है तो वो मैं दोस्तों के हाथों भेज दूंगा, आप दिव्या को कोरियर कर देना। इतना कहने के बाद आंटी, नहीं किशोर, वो घर पर नहीं है, ऊपर से बच्चा भी है, ये सब छोड़कर मैं नहीं कर सकती। अगर आपको बुरा ना लगे तो खुद कोरियर कर लो, एड्रेस मैं दे देती हूँ। वो ऐसा ही कहेगी ना, तू खुश होकर ना खुश की तरह बोलेगा, ठीक है ना आंटी, मैं कोरियर कर दूंगा। ऐसा कहकर आंटी फोन काट देगी। अब अच्छे से सोच कर बता, प्लान कैसा लगा तुझे? तेरे भाई के खोपड़ी में ऐसे ऐसे आइडिया तलपते रहते हैं। सब ठीक है, पर आंटी का नंबर? आंटी का नंबर किशोर, आंटी को कॉल कर दिया तो आराम से लौट कर आएगी। ये लो, एड्रेस मिलने के बाद एक छोटी सी पार्टी देनी पड़ेगी। देखा, ये सब कैसे किया तूने? आंटी के घर की ब्यूटी नहीं मिली तो कम से कम आंटी तो मिल गई, इसीलिए मैंने एक नाटक किया। आंटी इमरजेंसी कॉल करना है, मोबाइल दोगी क्या? ये कहकर मैंने उसका फोन लिया और फोन को अपने पॉकेट में रख लिया। बोलो क्या कहते हो? देख ली, मुझे एड्रेस मिल गया। तुम लोगों ने मेरी ताकत देखी। किशोर, मैसूर से आने के बाद एक बड़ी पार्टी देनी होगी, इसमें ना नुकुर मत करना, समझ गए? तुझे पार्टी देनी चाहिए क्या? पार्टी बा! देखा ना किशोर, उस देवी माँ ने मुझसे कभी झूठ नहीं बुलवाया। जब तेरी दादी ने तुझे पैसा दिया था तो तूने उनसे कहा था कि आप 100 साल जिएंगी, पर दूसरे दिन तो उनका ही टिकट कट गया। अरे अरे, उस दिन देवी माँ मेरे जुबान पर नहीं थी ना, इसीलिए। परसों तूने नारायण को कहा था कि नई नौकरी मिलेगी। अरे तब देवी माँ मेरी जुबान पर आई थी लेकिन गृह प्रवेश नहीं हुआ था। मुझे एक बात बताएगा भाई, इतना बड़बड़ करता है, कभी तेरा बोला हुआ कोई काम हुआ है? क्या बात कह दी तूने यार, जो भी हुआ है वही तो बताया है मैंने अभी। परसों तूने नारायण को कहा था कि नई नौकरी मिलेगी। ए किशोर, पहले दिव्या को लेकर आ, कर्जा भले ही हो जाए लेकिन शादी करवाऊंगा मैं। देख लेना, इन लोगों ने मुझे समझ कर रखा है। ठीक है, ठीक है, निकल। क्या मजा है दोस्तों, अच्छे से जाना। ओके किशोर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट किशोर, ऑल द बेस्ट, बाय 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 दोस्त, ऑल द बेस्ट। लगता है पेड़ों में पानी देना, सारे पेड़ पौधे। अरे क्या हुआ भाई, वहीं पर रुको, पता नहीं कहां अंदर घुसा चला आ रहा है। अरे भाई तुम्हें दिखता है कि नहीं, गेट के बाहर कुत्ते की चेतावनी वाला बोर्ड लगा हुआ है फिर भी तुम अंदर घुसे ही चले आ रहे हो, समझ में नहीं आता कौन हो तुम, किससे मिलना है तुम्हें? सच कहूं सीटी मारने का मन कर रहा है बॉस, आपकी ईमानदारी को देखते हुए।
अच्छा बताओ क्या काम है? बॉस आप भी क्या मजाक कर रहे हैं बॉस, पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं बॉस। ये भी ना बात बात पे बिल्डअप दिए जा रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। हाथ में लेटर है इसका मतलब कि कुरियर बॉय होगा। कितना सही पहचाना बॉस, तो क्या समझा आपने मुझे? कुरियर बॉय। कितने इंटेलिजेंट हो आप बॉस, आपने जो पहचाना वो बिल्कुल सही है बॉस। 5 मिनट ऐसे खुशी में रहना, मैं जाकर आता हूँ। चलो मैं कुरियर देने। या मैं लोगों का चेहरा देखकर ही पहचान लेता हूँ कि आखिर में वो है कौन। अरे पुष्पा फोन रिंग नहीं हो रहा है, जरा देखो ना क्या हुआ। क्या ससुर जी, मुझे बहुत सारे काम है, आप किसी और से पूछ लीजिए। सब बिजी रहते हैं। हे नवीन, फोन रिंग नहीं हो रहा है, जरा देखो ना बेटा। पापा जी मुझे पहले से ही बहुत सारे काम है, मुझे लेट हो रहा है, आप किसी और से पूछ लीजिए। ठीक है, तू भी बिजी ही है। चलो बेटा जल्दी खाना खाओ, चलना है। ये तो अपनी दुनिया में है ही नहीं, इसे बोलने का मतलब ही नहीं है। अरे उस बिजनेस का क्या हुआ? अरे सेंटी सेंटी क्या पापा? फोन रिंग नहीं हो रहा है, जरा देखना क्या बात है। पापा मैं बिजनेस मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, बच्चों को बोलो ना, स्मार्ट लोग हैं वो कर देंगे प्लीज। सब बिजी है आज तो, बच्चों को बोलता हूँ मत छो नहीं तो खराब हो जाएगी। मेरी बात सुनता ही कौन है यहाँ पे, खराब हो गया आखिर। देखो ये फटाफट होमवर्क करना है, समझे? बेटा फोन रिंग नहीं हो रहा है, जरा ठीक कर दो ना। पापा जी बच्चों को होमवर्क कराना है, स्कूल के लिए तैयार करना है, बाद में कर दूंगी। चलो बच्चों जल्दी करो, देर हो गई है, फटाफट रेडी हो जाओ। चलो कुछ नहीं हो सकता, जल्दी तैयार होना। हाँ मेरी बात ही नहीं सुनता कोई। दादाजी आपका मोबाइल ठीक हो गया, अगर आप दिव्या को बुलाएंगे तो मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। तुम कौन हो ये मत पूछिएगा, दिव्या के लिए बेंगलुरु से कुरियर आया है। जरा बैठ बेटा। हो सके तो मुझे थोड़ा कर्जा दे सकता है क्या? दादाजी कर्ज मांगकर दोस्ती को मत खोइए, ऐसा मैं अपने सर के ऊपर लिखने की सोच रहा हूँ। ये कुरियर ना सीधा मदकेरी भेज देना, दिव्या वहीं गई है। दादाजी मुझे ये डायलॉग समझ नहीं आया। मतलब दिव्या अपने फ्रेंड से मिलने मदकेरी गई है, और देखो कब आएगी किस समय आएगी मुझे कुछ नहीं पता, एड्रेस दे देता हूँ सीधा वहीं भेज देना। अभी मैं समझ गया। दादाजी हो सके तो अपना ऑटोग्राफ भी दीजिएगा, आपका ये मधुर स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ पर? अगली बार मिलूंगा तो बताऊंगा। ऐसा है तो मैं भी ऑटोग्राफ अगली बार दे दूंगा अगर। ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ ತಾನಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಬಾನಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ पूछोगी क्या? मैं पूछूंगी तो कौन सा तुम बता दोगी? बताओ क्यों दुखी हो आज? ये लोकेशन देखकर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, कार में बताती हूँ। योर चॉइस। बॉस एनी हेल्प?
नहीं सर, कार ठीक हो गई। ओके थैंक यू। हेलो मैडम, आइए, कार ठीक हो गई। चलो चलते हैं। स्टेप्स सुपर। ओह ऐसा क्या? थैंक यू थैंक यू। वैसे मैसूर से दिव्या जी आई होंगी यहाँ पर, कहाँ पर है वो? आप थोड़ा लेट हो गए, वो तो अभी अभी चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मैंगलोर, अपनी दोस्त नंदा के घर। हमारी ममता तो उसे बस स्टॉप तक छोड़ने भी गई है। अरे कार का टायर बनकर घूम रही है क्या वो? एक छोटी सी गलती के लिए मुझे कुत्ते की तरह घुमा रही है वो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? किशोर, दिव्या को ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई लव स्टोरी है? बैंगलोर की नंदा पाटिल से मिलके तेरा प्लीज। बर्बे प्रेम दारथ दली कुली तू पूजी सुवे व्रत दली निन्ना सेरो हम बल दली ऋषि अंते कूरुवे खुशियली प्रेम काल मालिक, उधर से आते समय मार्केट होके आ जाएंगे ना? क्यों, आप क्या कह रहे हैं मालिक? हाँ। हेलो, कहाँ जा रहे हो? सीधे घर के अंदर घुस रहे हो, क्या बात है? आपकी भाषा में एक अलग ही किक है जी। किक? कैसी किक? कौन सा ब्रांड? आप थोड़ा आगे चले गए। नहीं नहीं, मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? वो नंदा दिव्या की दोस्त। ओ नंदिनी। वो तो चली गई। लेकिन चली गई कहाँ पर? बीच पर। शिट, कौन सा बीच? सूरतकल बीच पर। सूरतकल बीच, लगता है उससे मुलाकात सीधे सूरतकल बीच पर ही होगी। भाई तुम हो कौन? भारत के लोग इंडियन कहते हैं, इंडियंस भारत बुलाते हैं, और भारत वाले किशोर बुलाते हैं। सही है। बाय, थैंक यू। ये लहरें बार बार ऐसे आकर पत्थरों को कितना परेशान करती हैं। ऐसा क्यों बोल रही है? इन पत्थरों पे जो धूल जमी है ना, ये लहरें ही तो आकर इन्हें साफ कर जाती हैं, है ना? इसी तरह ये लहरें आकर हमारे दिल को साफ क्यों नहीं करती? अरे पागल, अपने दिल को भी इन पत्थरों की तरह मजबूत करना होगा, तभी तो अच्छी लहरें आकर उसे चूम कर ताजा रखेंगी। समझ गई ना? कुछ और पूछना है? अच्छा, तुम कुछ बोलने वाली थी ना, यही बात है क्या? ओके। हे, 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 कहाँ भागे जा रही है तू? समुद्र में तैरने जा रही है क्या? देखो कैसे दौड़ रही है, बिल्कुल भी डर नहीं है इसको। छोड़ देंगे तो ये तैर कर आ जाएगा, मुझे विश्वास है। आ जाएगी। थैंक यू। बाय बोलो अंकल को।
बाय बाय। लड़का है या लड़की ये भी नहीं समझ पाते हैं लोग। इसकी तो मिल जाएगी ना तो गाल पर एक लगा कर दूंगा। किस नहीं लाफा। मैं जिंदगी में किसी चीज के लिए इतना घूमा ही नहीं। साला यहाँ पर है ये। मेरा गेस बिल्कुल सही था। मेरा फेवरेट प्लेस इसका भी फेवरेट प्लेस हो गया है क्या? दुख को भूलने के लिए यहाँ कर बैठी है क्या? ज्यादा नहीं बस 10 सेकंड और तुम्हारे चेहरे से दुख गायब हो जाएगा। आई एम कमिंग टू यू। बेंगलुरु नगर के चंद्रले आउट मेन रोड घर नंबर 450 में रहने वाले लेट वेंकट स्वामी का बेटा नारायण स्वामी उम्र 61 मतलब मैं अपनी इच्छा से लिख रहा हूँ मरण शपथ पत्र का क्रम ये है। मरने के बाद सरकार से मिलने वाला जो पैसा है 14,70,000 मेरे छोटे बेटे चिरंजीवी किशोर को देता हूँ। मेरा बड़ा बेटा किरण सरकार की सेवा कर रहा है उसके भविष्य को लेकर मुझे कोई भी चिंता नहीं है लेकिन मेरा छोटा बेटा किशोर किसी मुसीबत में ना रहे इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। बड़ा बेटा अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है लेकिन छोटा अभी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता है इसलिए मैं ये फैसला ले रहा हूँ। ये मेरा पहला और आखिरी शपथ पत्र है। ये तुम्हारे पापा का लिखा हुआ लेटर है। किशोर देख अपने फ्रेंड्स के साथ 2 दिन कहीं घूम कर आ जाएगा। नहीं भैया मेरा मूड नहीं है प्लीज। बात सुनो किशोर प्लीज भाभी। अरे यार उसे कैसे चेयर अप करना है ये मुझे पता है। गुरु चला जा। ये 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 हेलो जा नहीं भैया जा चल। अरे आजा किशोर। अरे आना किशोर आजा आजा। नहीं भाभी मेरा मन आजा। अरे आजा आजा। अरे आओ आओ आया यार। अरे आना दिव्या कैसी हो तुम? हाँ
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे मिलने आई थी। ये मेरी शादी का कार्ड है, तुम कुछ भी हो जाए मत आना। तुम्हें मुझसे डर है या प्यार है इसलिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि तुमसे इसलिए कहने आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुमसे गुस्सा हूँ और बहुत गुस्सा हूँ, इसलिए तुमसे कहने आई हूँ कि मेरे सामने मत आना। भैया हो गया ना? ये तो मेरे जानने वाले हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? डोनेशन देने आए हैं। हाँ किशोर, एक मिनट रुको। अच्छा बेटा, और किशोर कैसे अच्छा हो? आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। ये कौन है? ये मेरे बड़े भाई हैं, किरण। नमस्ते। दिव्या आई थी, उससे मिले क्या? हाँ मिला था। इनविटेशन कार्ड दिया क्या? हाँ दिया उसने। एक्चुअली पिछले साल हम लोगों ने उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी थी, लेकिन उसने शादी कैंसिल कर दी ये कहके कि लड़का मुझे पसंद नहीं है, और अब वो उसी लड़के से शादी कर रही है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो उसे पसंद नहीं करती है। लड़का कैसा है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जाने दीजिए दीदी, दिव्या ने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। हर एक लड़का तुम्हारे जैसा नहीं होता है किशोर। देखा कैसे उदास बैठा है। पता था, मुझे तो पहले से ही पता था। पता था तो तूने पहले क्यों नहीं बोला? पता था लेकिन बोल कर मैं भाव नहीं खाना चाहता, तुम्हें तो पता ही है ना। अच्छा ठीक है, तो मैं मैटर पर आता हूँ। मैसूर में मेरी बुआ का घर है, पेंट हाउस खाली है, पानी की व्यवस्था भी है, बाथरूम भी है, एकदम कड़क है। कोल्ड तो नहीं है? लेदर बेल्ट निकालू क्या? किशोर मैं बताता हूँ, तू और मैं हमारे बुआ के घर जाकर सेटल हो जाते हैं। ए, क्या बोल रहा है बे? रुक, जब तक तू हमारी भाभी को पटाकर यहाँ नहीं लाता। आइडिया तो ठीक है, लेकिन तू वहाँ क्यों जाएगा? भैया वो राम और सीता के पास हनुमान जी थे, किशोर और दिव्या के लिए मैं ही भगवान हूँ। तो इस राम को सीता के पास तू कब पहुँचाएगा? तुझको हलवा लग रहा है क्या? मिल सकते हैं। देख 100% बॉडी में 1% कुछ मिल जाए ना, मतलब आज रात को किशोर ने देख लिया तो मिला ही देंगे। कॉन्सेंट्रेट 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 ओहो कॉन्सेंट्रेट 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 कैसा लगा? तुम? मैंने सोचा तुम सिर्फ बात कर सकते हो, लेकिन तुम तो खेलते भी बहुत बढ़िया हो। हाँ दादाजी, लेकिन इसका क्रेडिट उस गणेश को जाता है। अगर उन्होंने खेल वाला प्रोग्राम वो नहीं चलाया होता तो मैं ये खेल नहीं सीख पाता, और फ्री टाइम में पैसे भी नहीं कमा पाता। ठीक है अच्छा।
इस बार कुरियर किसके नाम से आया है? वही दादाजी, मडकेरी मैंगलोर घूमकर वापस मैसूर आया है। दोबारा ऐसा नहीं होगा, रुक बुलाता हूँ। दिव्या। हाँ आई। क्या हुआ दादाजी? बेटा तुम्हारे लिए कुरियर आया है। अरे नीचे आकर ले तो लो, आ जा। बताइए कहाँ से आया कुरियर? हाँ, हाँ मैडम, ये दरअसल आपको ढूंढते हुए मडकेरी मैंगलोर से घूमते हुए आया है, और आप हैं कि यहाँ वहाँ घूम रही हैं। बात दरअसल ये है कि अब ये कुरियर जो है ना, आपको चेज करते हुए थक गया है। दिव्या मैडम, साइन प्लीज। तुम गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बाकी तुम जैसा चाहो। आई लव यू। बचपन से गुस्से में ही रहती है, बुरा मत मानना। नंबर भी सही है, टावर भी फुल है, तो फोन क्यों साइलेंट पे रखा है? लगता है गुस्सा कम नहीं हुआ है। ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, अभी रुक तू। अब तू देख, फोन जरूर आएगा। देखा, उठा उठा, देखा मेरे तिलक का कमाल। भैया का फोन है बे। अरे हल्दी नहीं था ना, इसलिए भैया का कॉल आया है, वरना वो ही कॉल करती तुझे। चल चल उठा उठा, बात कर। हेलो भैया। भैया नहीं, भाभी। बोलिए भाभी जी। वो मिली कि नहीं? बात हुई तुम्हारी? हम लोगों से कब मिलवा रहे हो? मिली थी, लेकिन गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। जैसे ही वो मान जाएगी सीधा आपके पास लेकर आऊंगा। ओके, ओके। लाओ मुझे दो। किशोर, अपने प्यार की बारिश करके उसके गुस्से की आग को ठंडा कर देना और लेकर आओ उसे यहाँ, ठीक है ना? ठीक है भाई। ए, मुझे दे। ब्रो, टेंशन मत लो, मैंने कितनी सारी शादी ग्रैंड तरीके से करवाई है। ए किशोर, लगता है कि फोन नहीं आएगा। मेरे पास पुराना आइडिया भी है, पॉलिश करके रखा है, ट्राई करके देखते हैं ना, वर्कआउट हो जाएगा। अबे बंदर है क्या, तुझे समझ में नहीं आता? बेचारा, लगता है घर वाले फुल ड्यूटी करवा रहे हैं, ड्यूटी के टाइम पर शट डाउन हो गया है। डर गया, मैं तो मैंगलोर की महारानी से। तुम कुछ भी कर लो नहीं मानूंगी, थर्ड क्लास पीपल। ज्यादा डांटो नहीं, वरना मेरा हाथ काम नहीं करेगा, जुबान काम करने लगेगी। ज्यादा बोलो मत, यहाँ क्यों आए हो? कुरियर। जाके गटर में फेंक दो इसे, तुम्हारा कुरियर। ठीक है सोना, गटर में डाल दूंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को फेसबुक पर डालूंगा और तुम्हें भी टैग करूंगा। खूब खुश रहना, लेकिन अपने दादाजी को मत दिखाना, मैं खुद दिखा दूंगा। साइन। जान, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कॉल नहीं किया तो मेरा कॉल गेट पार कर जाएगा इस कुरियर की तरह। अरे कितना सुंदर अक्षर लिखा हुआ है, बस लेकिन थोड़ा सही लिखा होना चाहिए था। वाह, दिव्या आई एम सॉरी, तुमसे बात करनी है, प्लीज कॉल कर लो। तुम मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी गलती को सुधारने का एक मौका मांग रहा हूं। केयरलेस मत बनो, मेरे एक्स्ट्रा केयर को ऐड करके क्या करना है सोचने के बजाय कॉल कर लो।
बात करनी है। पीकर मस्त हो जाएंगे। आया ना फोन, देखा मेरा पुराना तरीका, उसी ने कॉल किया है, बात कर और एंजॉय। हेलो दिव्या। सुनो, मैंने कुछ सुनने के लिए फोन नहीं किया, मेरी बात सुनो। मेरी लाइफ में भी नई उम्मीदें जाग गई हैं तुम्हारी तरह, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो दिव्या। उसके ऊपर एक सेकंड भी हुआ तो मैं फोन काट दूंगी। देखो लड़कियों के मैटर में मैं सीधा हूँ, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे फूल बना रही हो, इसलिए मैंने इस तरह से बिहेव किया। सुबह उठने के बाद ही मुझे पता चला कि मैंने गलती की है, तुम्हारी कंपनी ने मेरी लाइफ को नए अनुभव दिए हैं दिव्या। उसको अच्छे से समझे बिना ही मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। दिव्या आई एम सॉरी, दिव्या मेरा यकीन करो, तब से मैं हर एक पल तड़प रहा हूँ। दिव्या मुझे तुम चाहिए। तुमसे मिलकर एडमिट करने आया लेकिन तुम वहाँ नहीं थी, तो फिर मैं तुम्हें ढूंढते हुए मटकेरी आया, उसके बाद मैंगलुरु आया, बीच पर मैंने तुम्हें देखा। मैं तुमसे बात करने ही वाला था कि मेरे डैड ऑफ हो गए। डैड छोड़कर चले गए दिव्या। तुम्हें सारी बातें बताकर कन्विंस करने से पहले ही तुमने रॉन्ग स्टेप ले लिया दिव्या। दिव्या मैं फिसल गया, सच है, लेकिन तुम ऐसा मत करो दिव्या। दिव्या दिव्या क्या किशोर क्या हुआ? दिव्या बस एक सपना ही है। अरे छोड़, अच्छा ही हुआ, बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, सपने देखने चाहिए तो देख। एक काम करते हैं। क्या? दो पैग लगा, बातें बताता हूँ। नहीं 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 हो पाएगा, नहीं होगा, 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 नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, अकेले खेलिए, आप जीतेंगे तो मैं हार जाऊंगी। अरे मालिक देखिए ना क्या हो गया, सुबह आप ही ने औरतों के सामने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई नहीं जीत सकता, अब तो आपका पोपट हो गया, अब आप क्या करेंगे? नमस्ते, ये खेल खत्म करने के लिए इतना टाइम लिया? एक दो मिनट में खत्म करने वाला बच्चों का खेल है ये। अरे तू सही समय पे आया है, आजा आजा। दिव्या तूने मुझे खेल में हराया था ना, अब जरा इसके सामने जीत के दिखा, अगर तू जीत गई तो तेरा गोवा का ट्रिप। दादाजी ये आंखें बंद करके खेलने वाला गेम है ना, तो इसमें मेरी क्या जरूरत है? एक काम करते हैं, दो मिनट का टाइम देंगे, इसे बोलो अकेला खेले, ये जीता तो मैं हारी, ठीक है? ठीक है ना किशोर? ठीक है दादाजी, ये जीती तो गोवा ट्रिप और मैं जीता तो तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। तू अपना मुँह बंद कर, तू जो भी मांगेगा तुझे मैं दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप ही के हाथ में है दादाजी। क्या है? जीतने के बाद बताऊंगा। दादाजी टाइम शुरू हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हार जाएगा, क्योंकि इसके कोई चांस नहीं दिखते हैं जीतने के। क्या होगा किशोर? सुपर, जीत गया बेटा, तू तो जीत गया। बहुत बढ़िया बेटा, अब बोल तुझे क्या चाहिए? दादाजी वो बोल ना बेटा। ठीक है दादाजी, मुझे जो चाहिए वो कार। नो दादाजी। घर। तो क्या चाहिए? उस कार का ड्राइवर बनना चाहता हूँ दादाजी। देख बेटा, खाना नाश्ता और 15,000 की सैलरी। ओके, आग बंद करके करूँगा दादाजी। अरे 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 ऐसा मत करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। डैडी वो इम्पॉसिबल ड्राइवर ने काम छोड़ दिया है, सही टाइम पे भगवान ने ही इसे भेजा है।
100% उस भगवान ने ही भेजा है दादाजी। भगवान का तिलक है, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा काम मिलेगा, नई गर्लफ्रेंड मिलेगी, पुरानी लड़की की याद डिलीट हो जाएगी। आप तो मुझे भगवान की तरह मिले हैं। चेहरा क्या देख रहा है पी? सब कुछ उस भगवान की वजह से ही और है। और तेरा कुरियर का काम, वो भी भगवान का खेल है। अच्छा खेल है भगवान का। देख बेटा, ड्राइविंग तेरा काम नहीं है, ऐसे ही हंसा करके घर वालों को खुश रखना बस। यस दादाजी। अरे इससे क्या हुआ, बचपन से ऐसे ही है। चलो चलो चलो, आजा आजा आजा। चलो चलो बेटा। मम्मी क्या हुआ? मुझे लगा कि किशोर मुझे मांगेगा, लेकिन उसने तो कार मांग ली। ओफो, उसने कार मांगी है, बुलडोजर नहीं। चलो। क्या मम्मी? चलो। पीपी। गुरु, सिर्फ तेरा नाम भगवान नहीं है, तू बिल्कुल भगवान ही है मेरे लिए। कितना ख्याल रख रहा है तू मेरा, मेरे लिए ये सब। तुम जैसे लोग ही हमें भगवान बनाते हो। अब तक तो किशोर ने सबके दिल में जगह बना ही ली होगी, अब तो कल पाकिस्तान और मैं कजाकिस्तान। तो अभी हम मैजिक करेंगे। हाँ हम हेप शो। ये क्या है? अंडा। और अब देखते हैं क्या होगा। हेम क्रेम शो। अब ये क्या है? ओह, इस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, अब क्या करूं? अरे आंटी क्या हुआ? किशोर देखो ना, नेट पैक खत्म हो गया, अर्जेंट मेल करना है मुझे, अब मैं क्या करूं बताओ? इतना क्यों टेंशन ले रही है, हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूं। अच्छा ओके, ये लीजिए पासवर्ड। किशोर 1 2 3 4 5। ओके थैंक यू सो मच किशोर, मुझे अर्जेंट मेल करना था, तुम सही टाइम पे आ गए। थैंक यू किशोर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। किशोर कहाँ हो बेटा? आया दादाजी, ले जाएंगे ले जाएंगे। मुझे लगता है भाई को लव हुआ है। गुरु गुरु गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है गुरु। तुम्हारी वजह से इस घर में रौनक आ गई है और तुम सभी की समस्याएं छू मंतर कर देते हो गुरु। गुरु तो मेरी भी प्रॉब्लम को छू मंतर कर दो ना गुरु, मैं बहुत परेशान हूँ गुरु, प्लीज कर दो ना। कोई भी गुप्त रोग हो कोई बात नहीं, चलो बताओ। गुरु गुरु, मैं इतने सालों से तुम जैसे इंसान को ही ढूंढ रहा था, अब तुम्हें क्या बताऊं गुरु, 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं, मेरा तो पेट बाहर आ गया है गुरु, लेकिन मेरी बीवी का पेट अभी तक बाहर नहीं आया गुरु। समस्या का सोल्यूशन तो तेरे पास ही है ना? समस्या का सोल्यूशन मेरे पास ही है, क्या बात है। अरे गुरु मुझे पता ही नहीं था, जाओ। अरे बाप रे, मेरे पास ही है। अरे सुनो, कपड़े के अंदर की चर्बी को कम करो तो ऑटोमेटिकली वहाँ का पेट बाहर आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे पेट की चर्बी कम करनी पड़ेगी। किशोर। हाँ दादाजी। दिव्या शॉपिंग गई थी, हो गया क्या? जाकर उसे ले आ बेटा। ठीक है दादाजी। अंकल को भेजना, तुम्हें क्यों भेजा? सही तो भेजा उन्होंने, देखो। देखी तो रहा। सुनो। क्या? घर चलो तुम्हें दिखाती हूँ। नहीं दिव्या, डर लगता है, नहीं तो मैं बैंगलोर भाग जाऊंगा। पहले तुम निकलो यहाँ। अकेले जाने से डर लगता है, तुम भी आ जाओ ना, दोनों साथ में भाग जाएंगे। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति थी ना, किसने हटाया? मेरे आने के बाद सब कुछ बदल जाता है, आज गणपति की मूर्ति है तो कल शादी के कार्ड पर लड़के का नाम बदलेगा। ओहो, तो शादी के कार्ड में तुम नाम बदलोगे? डाउट ही नहीं है, तुम परमिशन दो तो सही, मैं अभी इसी वक्त इसका नाम चेंज कर दूँ। एक मिनट रुको। अब देख इसको कैसे मजा चकाता हूँ, पहले ही बॉल में आउट कर देता हूँ, तू बस देखते जा, पहली बॉल पे बोल्ड। हाँ बंटा, आज तो इसको देख ही लेते हैं, रात को अच्छी नींद आनी चाहिए। कमॉन 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 कमॉन।
ए, सुन, घर जाकर थोड़ा अच्छे से खाना खा करा, अगर कम पड़ जाए तो मेरे अड्डे पर आ जाना। ये कमाल खेले। थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है गाइस, मुझे कुछ काम है, सी यू सून, बाय। हाय। हाय राहुल। तुम तो मुझसे मिलने के लिए कल आने वाली थी, आज ही आ गई, बात क्या है? राहुल, ये हमारे घर का नया ड्राइवर है, बहुत ज्यादा बोलता है। ये कह रहा है कि कार्ड में तुम्हारा नाम हटाकर अपना नाम डाल देगा। मैं कैसे परमिशन दे दूं? इनविटेशन कार्ड में तो तुम्हारा नाम है ना? दिखने में सॉफ्ट हूँ, इसलिए मुझे सॉफ्ट समझकर बोल रहा है शायद। इसे दिखाऊं क्या कि मैं कितना हार्ड हूँ? नहीं राहुल, ये खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। इससे ज्यादा बुद्धिमान तुम हो, ये दिखाना होगा, और इस बात का दादाजी को बिल्कुल पता ना लगे। शादी में 7 दिन ही बचे हैं, और 3 ही दिन में घर वाले इसे कैसे घर से बाहर निकालते हैं देख लेना तुम। बॉस, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? क्या है? 100% दिव्या की शादी तुमसे तो नहीं होगी। क्या कहा? नो राहुल, मैंने कहा ना, ये खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। देख लेना तुम, इसकी शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। पहली बार मुझे छूकर सलामत और अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला पहला इंसान तू ही है। बातें बहुत हो गई, चलो अब चलें। राहुल बाय, घर में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम छूने के बाद तुम्हें कुछ ना हो ऐसी प्रार्थना भगवान से कर लेना। जा रहा हूं। क्यों? बात करनी है। यहीं पर करो। नहीं, वहीं पर बात करनी है। देखो, तुम बहुत ओवर कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ तो सर पर मत चढ़ो, सीधे घर की तरफ चलो, समझे? चुप, मुंह बंद करके बैठो। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें और कार को समंदर में फेंककर बैंगलोर चला जाऊंगा, फिर पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। हेलो, कुछ बात करनी है क्या? कर यहाँ पर ले आए, बात करो। बात कर लिया ना? किससे? हमारे घर के कुल देवता से, वीरभद्र स्वामी से। तो वो तो तुम अकेले भी कर सकते थे ना? ऐसे कैसे बात कर सकता था, वो तो मैं तुम्हारे बारे में बात करने आया था। ये मेरी बीवी बनकर आने वाली है, अकल कम और गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, मेरे दिल को समझने जितना पेशेंस नहीं है, इसलिए भगवान जल्दी से इसकी अकल को ठिकाने लगाकर मेरी पसंद को अपनाएगी तो शादी के 15वें दिन पर खानदान के साथ आकर तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा, ऐसी प्रार्थना करके आया हूँ मैं। चलो। क्या टीवी है, हमेशा प्रॉब्लम। तो और एक मैजिक करें। ये कौन सा कलर है? ग्रीन। और अब देखो, आबरा का टाबरा गिले गिले छू। और एक कलर चेंज करते हैं। ये कौन सा कलर है? येलो। आबरा का डाबरा हे। बेटा टीवी नहीं चल रहा है, जरा देखो ना क्या हुआ। प्लीज। आज इलेक्शन का रिजल्ट है, पता नहीं क्या हुआ, वही देखना था मुझे, देखो ना बेटा। दादाजी, केबल रिपेयर करने वाला तो यही है। यहाँ? हाँ। कौन बेटा? किशोर। तुझे कैसे पता? दादाजी, सारे काम तो वो करता ही है, केबल रिपेयर करना भी जानता होगा। हाँ दादाजी, दिव्या मैडम ने बिल्कुल सही कहा दादाजी, मैं शांति निवास फिल्म में सुदीप थे ना, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। दादाजी नमस्ते। अरे राहुल, आजा दूल्हे, आजा 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 आजा। कैसा है? अच्छा हूँ दादाजी। हाय। हाय। ए, वन सेकंड दादाजी, ये हमारे घर का चीयर बॉय। चीयर बॉय? थैंक यू दादाजी। कंफ्यूज मत हो, हमारा ड्राइवर है ये। किशोर, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है, जल्दी तुम्हारे सामने हाथ काट के तुम्हें प्रपोज कर दूंगी मैं। अभी तक तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मॉम, सो रही हूँ। हाँ,
दादाजी ये चीयर बॉय नहीं है, ये क्रैक बॉय है। सिग्नल जंप करके ड्राइव करता है। वन वे पर मना किया तो इसने मेरी बात ही नहीं मानी, बोला बड़ा मजा आएगा। फ्रेंड्स के घर पर अकेला छोड़कर चला गया। मैंने जब फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रहा था। जब पूछा कहाँ गया था, बोला इम्पोर्टेंट काम से गया था। क्या बेटा ये सच कह रहा है क्या? अरे रुको रुको रुको, ए भाई घर में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हाँ बोला ना, रुको, कान खराब है क्या? मना करने के बाद भी घर में घुसे चले आ रहे हो, पागल हो क्या तुम? चुप जाओ, भी सुनाई नहीं देता। अरे जा तू, पैदल है ये बिल्कुल। नमस्ते सर। सर आप ही हमारे घर के भगवान हो, अगर आप नहीं होते तो इस साल मेरे घर में दिवाली पर दिया ही नहीं जलता। सर सर सही टाइम पर रास्ते पर तड़पने वाली मेरी बीवी को हॉस्पिटल आपने पहुंचाया सर। अरे क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। ए कौन है रे तू? नहीं पता, तुम ड्राइवर नहीं हो क्या? ड्राइवर तो वो है, मैं नहीं है। ड्राइवर की तरह दिखते हो, जाने दो। सर आपको थैंक्स कहने के लिए मैं भागते हुए आया हूँ। हाँ हाँ और बहुत थक भी गया हूँ, पर उन्हें जो भी मैंने कहा है वो सब आपके लिए है सर, तो शुक्रिया। ठीक है, तुम्हारा भला। यहाँ के मालिक कौन है? अच्छा तो यहाँ है मालिक। सर ये तो आपका बड़प्पन है कि इतने नेक और ईमानदार बंदे को आपने काम पर रखा है। सर आपसे मिलकर तो मैं धन्य हो गया, इस बार पैदा होने वाला अच्छा लड़का ही हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए सर। ठीक है बेटा ठीक है। सर सर अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे यहाँ पर जो भी लड़का पैदा होगा ना, आप पर ही नाम रखूंगा। नामकरण में आना सर। सर आप भी आना, नामकरण में आना सर, स्वीट भी खाने को मिलेगा। रामायण है मतलब रावण भी जरूर आएगा, रावण का मतलब हनुमान जी को जरूर आना होगा। डोंट वरी किशोर, सही टाइम पर सही जगह पर ये हनुमान जरूर आएगा। ठीक है तो आप आ जाना टाइम पर, और सारे घर वालों को भी साथ में लाना। किशोर बुरा मत मानना बेटा, ये थोड़ा वैसा ही है। तू कैसा है मुझे पता है, जा जाकर आराम कर। थैंक यू दादाजी। ये इतनी रात को कॉल क्यों कर रहा है? हेलो। मुझे पता था तुम मेरा फोन जरूर उठाओगे, क्योंकि तुम मुझे पूरी तरह भूली नहीं हो, इसीलिए। किशोर बुलाओ मत, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली मुझे लव तुमसे ज्यादा हो जाता है। बाद में लव ज्यादा होने के बाद दो तीन दिन तुमसे शादी करने का मन करेगा। मैं तो तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे दादाजी घर, सॉरी हमारा घर, हमारे दादाजी और उनका प्रेस्टिज मतलब उनकी मान और मर्यादा, उसका क्या होगा? हमारा प्यार जीतेगा तो हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी फैमिली भी बहुत खुश रहेगी। तुम्हारे घर वालों को धोखा देना मुझे पसंद नहीं है दिव्या। ये साला पीकर मुर्ग मल्ले मूवी के डायलॉग्स मार रहा है, ऐसा समझ रही हो क्या? कुछ भी बकवास मत करो तुम। अरे नहीं बोलूंगा मैं, अब से कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है। तुम्हारे होने वाले बच्चे को मेरा नाम मत देना, क्योंकि मेरा नाम ही सही नहीं है। ये नाम रखने वाली मेरी माँ भी मर गई, इस नाम को मिला हुआ प्यार भी चला गया, बाद में तुम्हारा बेटा भी मेरे जैसा हो गया तो फिर तुम क्या करोगी बताओ जरा। दिव्या दिव्या
अरे फोन गिर गया। हेलो हेलो हेलो, लाइन भी कट और लव भी कट। दिव्या तुमने पैकिंग कर लिया ना? हाँ दादाजी। नवीन बैंक जा रहा है, आते वक्त कैश भी लेकर के आना, जरूरत पड़ेगी। ओहो हो, बेंगलुरु से एडवांस एंट्री। आओ 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 आओ। अरे बच्ची कैसी हो? अरे वाह, हेलो अंकल, कब आई तू? कितनी बड़ी। हम लोग मस्ती करेंगे, हम मस्ती करने जा रहे हैं। चलो चलो। नमस्ते नमस्ते। तो दिव्या शादी की तैयारी हो गई ना? मुझसे बात मत कीजिए, बेंगलोर में तो आपने ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर। अरे अभी तो आ गया ना, अभी पूरा का पूरा टाइम तुम्हारे लिए, ओके ना? अच्छा ठीक है, जर्नी करके थक गए होगे, नाश्ता वगैरह तैयार है, जा करके रेडी हो जाओ। अरे सुनो सामान तो उठा। चलिए आइए। चलो दादाजी, मेरे कुछ फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे हैं, किसी को भेजो ना उन्हें लेने। अरे किसको भेजूं, किशोर है ना, उसे लेकर के जाओ। किशोर 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 को सुबह से ढूंढ रही हूँ, नजर नहीं आया। मुझे ज्वेलरी शॉप पे जाना था जेवर के लिए, पर उसका कुछ पता ही नहीं है, कहाँ ढूंढूं? कहाँ गया होगा? बिना बताया तो जाता नहीं है वो कहीं। ए सैंडी, बैंक जा रहा है ना? हाँ डैडी। तू ही उन्हें लेके आ जाना। जाता हूँ, अपने फ्रेंड्स के नंबर व्हाट्सएप कर देना, मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, संभल के जाना बेटा। हाँ माँ जी को लेट हो रहा है, आप नाश्ता कीजिए, दवाई ली है ना आपने? अरे कहाँ गया ये? कहीं राहुल ने किशोर को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्या, किशोर नजर नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तुझे लेकर जाने के लिए घोड़ा लेने गया है, वेट कर थोड़ा। ओ सच में घोड़ा लेने गया है? और क्या बात है, बेंगलुरु कैसा है? सब अच्छा है आंटी, क्या बताऊं, वही ट्रैफिक वही गर्मी। देखिए देखिए आंटी देखिए, इसमें मैजिक है। क्या मैजिक है? ये रहा आंटी। 3, 2, 1, ये देखो। ये बताए, अपनी टीम का मैं कैप्टन था। अरे ये तो हमारे घर का कार ड्राइवर है, सो एनर्जेटिक गाय। अच्छा कहाँ चली गई वो? ओह तो तुम यहाँ हो। तुम्हें क्या हो गया है दिव्या? सबकी शादी में तुम दुल्हन की तरह एकदम चहकती रहती थी, हाँ, और अपनी खुद की शादी में तुम एकदम साइलेंट हो गई हो। मोस्टली इसका फ्यूचर अच्छा हो ये सोच के ये चुप है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी तो चेयर अप करो ना। हे चलो चलो। ये गाना एक मिनट। हेलो दादाजी, वहाँ राहुल है क्या? आ गया वो, घर पर भी नहीं आया, उसका फोन भी बंद है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो नहीं आया, आया तो कॉल कर दूंगा, वहाँ गया तो तुम बता देना। ठीक है ठीक है दादाजी। दिव्या, राहुल से तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं है दादाजी। क्यों? कुछ नहीं, वो रात को घर नहीं पहुँचा, उसका फोन ऑफ है, उसके डैडी बता रहे हैं। तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं दादाजी, रात को गुड नाइट बोलकर चले गए थे।
राहुल नहीं मिल रहा है, किशोर भी नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों कहाँ गए होंगे आखिर? बोलो दिव्या, वो दोनों कहाँ गए हैं? बेटा उसने कहा ना उसे नहीं पता। पापा उसे सब पता है। दिव्या तुम अपने जिद की वजह से दो लड़कों की जिंदगी के साथ खेल रही हो। बोलो वो दोनों कहाँ हैं? दिव्या इधर आओ, कुछ छुपा रही हो मुझसे? मुझे कुछ नहीं पता दादाजी। नहीं पापा इसे सब पता है। अरे तुम दोनों क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो तुम चलो। दादाजी दादाजी हमें फोन दीजिए, हम बाहर जाकर गेम खेलेंगे। पापा मुझे आपको एक बात बतानी है। इतने दिन ड्राइवर का जो काम कर रहा था किशोर, वो यहाँ काम के लिए नहीं आया था, वो दिव्या के लिए आया था। बेचारा वो बहुत अच्छा लड़का है पापा। झूठ है, वो अच्छा लड़का नहीं है, हर वक्त पैसा पैसा करता रहता है, वो पैसे का भूखा है बस। तू ऐसा गलत सोचकर ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है दिव्या। किसे तू पैसों का भूखा बोल रही है? हाँ किशोर को। उस दिन मैं अपने बेटे के बर्थडे पे पैसे डोनेट करने के लिए एनजीओ ऑफिस गई थी। मैडम अभी जो दो लड़के यहाँ आए थे किस काम से आए थे मैं जान सकती हूँ क्या? Why not? किशोर नाम के लड़के को उसके डैडी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 14 लाख रुपए उसके नाम पर विल बनाकर चले गए थे। उतने पैसों में से उसने एक रुपया तक नहीं लिया और सारा का सारा पैसा हमारे ट्रस्ट को डोनेट किया। ऐसा है किशोर ने अपने पापा के पूरी जिंदगी की कमाई को अपने पास न रख कर दान कर दिया। दिव्या तुम जैसा समझ रही हो किशोर वैसा नहीं है। हाँ दिव्या उस दिन जब मैं तुझे बस स्टॉप छोड़ने आई थी तब किशोर तुझे ढूंढते हुए मेरे घर आया था, वो तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। हाँ यार वो तेरे लिए मैंगलोर भी आया था, मेरे जीजाजी ने बताया, तभी तो हम लोग बीच पे गए थे। इसका मतलब किशोर दिव्या के लिए इतने दिन से हमारे घर में था, तो फिर राहुल ने किशोर के साथ आखिर क्या किया होगा? दादाजी किसी का वॉइस मैसेज आया है। दादाजी दिव्या मेरी जान है, लेकिन दिव्या की जान वो किशोर है। वो किशोर से बहुत प्यार करती है, लेकिन किसी बात के वजह से उसने उसे दूर कर दिया, लेकिन वो उसे अपने दिल से दूर नहीं कर पा रही है। ये बात मुझे पहले पता नहीं थी, किशोर उसे पाने के लिए क्या कुछ कर रहा है ये मैंने देखा। आप सबको भी खुश रखा उसने, लाइफ लॉन्ग वो दिव्या को अच्छी तरह से रख सकता है, वो दिव्या को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, उसका पूरा ख्याल रखेगा। He is great दादाजी। मैं दिव्या के प्यार के बारे में पहले बिल्कुल नहीं जानता था, और किशोर भी दिव्या को बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं दिव्या को छोड़कर जा रहा हूँ। दिव्या जस्ट थिंक अगेन, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने प्यार का इजहार करो। एक बात याद रखना, टाइम वेस्ट मत करना, अगली बार मैं तुम्हें किशोर के साथ ही देखने वाला हूँ, वो भी शादी के मंडप में। दादाजी आई एम वेरी वेरी सॉरी। दिव्या ये तूने क्या किया बेटी, मम्मी डैडी दूर है इसलिए तुम्हें इतना फ्रीडम दिया मैंने, मुझे बिना कुछ बताए ऐसा क्यों किया बेटी? अब क्या करना है तुम ही बोलो, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। दादाजी मुझे किशोर चाहिए। वाह किशोर चाहिए, ऐसे बोल रही है जैसे वो सामान है लाकर के दे दूंगा। देख तेरी शादी में 8 दिन बचे हैं, जब तुम किशोर को लेकर के आओगी तो उसे तुम्हारी शादी कर दूंगा, नहीं तो वापस फौरन मम्मी पापा के पास भेज दूंगा। दादाजी मैं जाऊँ क्या? नहीं जाना है। ये लो कार की चाबी, जाओ ढूंढ लाओ उसे, जाओ जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मलेश जल्दी गेट खोलो। हाँ ठीक है, चलो गेट खोल देता हूँ। लगता है आप किसी अच्छे काम के लिए जा रही हैं। ऑल द बेस्ट।
ये कटिंग बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ, ये देखना कैसे निकाल रहे हैं। अरे ये देखो उसमें हाथ डाल रहा है। अरे यार, अरे क्या कर रहा है यार? दिव्या, दिव्या किशोर कहाँ है? तुम्हारे लिए तो मैसूर गया था। वो वहाँ नहीं है, उसे ढूंढते हुए मैं आई हूँ यहाँ। उसका फोन भी ऑफ है। क्या? स्विच ऑफ आ रहा है? अरे जरा कॉल लगा के देख तो एक बार। अबे जल्दी से किशोर को फोन लगा। लगाना लगाना। अरे यार फोन रिसीव नहीं कर रहा है, उसने स्विच ऑफ किया है। ये कहाँ चला गया? किसी को कुछ पता नहीं हो, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। दिव्या डोंट वरी, दिव्या मेरे पास एक आइडिया है। अरे यार जहाँ भी होगा आ ही जाएगा। ये सुन के तो आ जाएगा। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है काम। सुनिए, अगर वो यहाँ पर होता तो ये सुनकर तो जरूर आ जाता। हाँ दिव्या, नाराज होने के बाद कभी कभी वो कहीं चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। ठीक है, मैं देख लूंगी, बाय। कहाँ जा रही है? किशोर भाई, देखो शेर के सामने रखे हुए खाने को कोई और खाने की कोशिश करे तो शेर क्या करता है? मार कर खा जाता है। उस दिन बहुत ज्यादा बोल रहा था और हमारे ऊपर हाथ भी उठाया। आज आज दिखाना कि तो कितना बड़ा शेर है। कुत्ते सिर्फ अपने एरिया में शेर होते हैं, लेकिन शेर किसी भी जंगल में जाए वो शेर ही रहता है। किशोर देख क्या रहा है, मार कर फेंक दे इसे। भैया बॉडी को टेम्प्ट ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फाइट करने का मूड ही नहीं हो रहा है भैया। सुन, जेब में 5,000 कैश है, दे दूंगा तुझे, उठकर मार। मूड नहीं आ रहा क्या? ए किशोर देख, हनुमान चालीसा प्ले हो रहा है, अभी क्लाइमेक्स फाइट के लिए बीजीएम चाहिए क्या? सुन के मारता रहे, उठ उठ, चल चल उठ जा। हे किशोर, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो, चलो मारो सबको। मार डालो ना भैया इन सबको। बोलो भैया क्या करूं? खून निकालने वाले को छोड़ना नहीं, मार डाल। मार किशोर, मार। Yeah!
किशोर पहले मेरे को छुड़ा। अच्छा, अरे आया रुक। आज इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मुझे बांध के रखा था है? अभी तुम्हें बताता हूँ, अभी रुक, बड़े आए मुझे बांधने वाले। अरे बांध कर रख के तो देखो। हेलो, अच्छा कभी अभी ओके 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 ईश्वर दिव्या तुझे ढूंढते हुए मैसूर आई है, तुझे सब जगह ढूंढा उसने। अच्छा हाँ, अभी कहाँ है वो? पता नहीं, तू मिला नहीं इसलिए वो चली गई। अरे कहाँ चली गई? वो तो मैं नहीं जानता। किशोर क्लाइमैक्स तो खत्म हो गया है ना, जा जाकर अपने लव का कंक्लूजन देकर आ। जा जाओ। ऑल द बेस्ट किशोर, दिव्या को लेकर ही आना, अब तुम दोनों की मैं धूम धाम से शादी कराऊंगा। तू पागल ही रहेगा। मैंने दोबारा पोछ लिया। यहाँ पर भी शांति नहीं है, क्या मेरी किस्मत है यार? क्या यार, किसी को शांति से बैठने भी नहीं देते, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अब एक मिनट कुछ बोलना मत, शांत रहो। बस बस, वहाँ सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त रेडी है, लेकिन शादी के कार्ड में लड़के का नाम चेंज होगा। कैसे? आखिर मैंने शादी के कार्ड में लड़के का नाम चेंज करा ही दिया ना। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं आऊँ तो एक किस देनी होगी। थोड़ी स्वीट कम थी। और स्वीट बाद में दूंगी। चलो हेलो। क्या हुआ, किसका कॉल था? मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। क्या? मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, मैं सच कह रहा हूँ, सब तुम्हारी मेहरबानी है, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ।